आइकोनिक होने वाले आइकोन को डिकाउन कर लिया, त्रेजा को डिकाउन कर लिया गया है और यहाँ पर लेकिन ब्लैक को नॉकआउट कर लिया गया है। और स्टोक की बात की जाए काफी ज्यादा फाइट चल रही है यहाँ पर, बाला भाई जो है वो का ब्रेक कर रहे हैं, नीचे कंटिन्यू लॉन्चर लगा रहे हैं और उज्जवल को भी नॉकआउट कर लिया गया है। देखने वाली बात है बाला भाई यहाँ पे प्लस करने के लिए जा रहे टीम को, लिखी ग्रेनेड लॉन्चर लगाने की कोशिश, 143 का डैमेज माफिया को और माफिया पर लॉन्चर यहाँ पे यूज किया है, ये दिक्कत में डाल देगा क्योंकि माफिया सामने होने वाले छोटे मोटे प्लेयर ऐसे नहीं है, अगर ऐसे रश लगाएंगे तो बहुत दिक्कत पहुंच जाएगी। लेकिन लीकी ने बिल्कुल जैसे बोलते हैं लॉन्चर अपने ऊपर फोड़ा, बट बाद जो असोल्टिंग जो गन होती है उनसे माफिया को डैमेज दिया और नॉक करना पड़ेगा। द किंग ऑफ ऑल रशर्स क्या रश करेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे अब आप एक जगह पे सीमित खड़े रहकर इस गेम को नहीं निकाल सकते। किंग ऑफ ऑल रशर्स डिलीट को एक मेडिकेट की आवश्यकता है, मेल्टर्स का इस्तेमाल और यहाँ पे अगर आप देखें बॉन फायर का सदुपयोग किया गया है, एक और जबरदस्त रश, एक और शानदार रश और यहाँ पे इस बार सासके पे नहीं, इस बार खुद के ऊपर भरोसा रखकर फिनिश निकालना पड़ेगा। बिल्कुल लॉर्ड अंश भी नॉकआउट, एक और शानदार नॉकआउट लेकिन यहाँ पे बच गए विदेत जो कि बिल्कुल परछाई की तरह खेल रहे हैं आज की, क्या जीत दिला पाएंगे। एक और शानदार नॉकआउट, एक और शानदार नॉकआउट, एक आखिरी बंदा बचा है वहां पे, एक आके ओह माय गॉड, वो दिस इज अ न्यू टैलेंट इन द मेकिंग फौजी भाई, और क्या कमाल खेल रहे हैं विदेता।